Robin Hood with a warrior for education called Navdeep Singh. And Navdeep, आपकी कहानी सुनने के बाद salute है boss. मेरा नाम नवदीप है. मैंने 2009 में ज्ञान जैल सिंह कॉलेज में एडमिशन लिया था. तो जब फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए तो मैंने देखा कि वहाँ ऑलमोस्ट 50-60% बच्चे हैं जो किसी भी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हैं. तो पता किया कि आसपास सारी क्लासेस में ही ऐसा है, किसी एक या दो सब्जेक्ट के अंदर कोई 50-60% बच्चे फेल हैं, किसी में 80-90% बच्चे फेल हैं. तो बाद में बच्चों के पास ऑप्शन है कि वो अपने रीवैल्यूएशन करवा सकते हैं 700 रुपये पर सब्जेक्ट देकर. तो जो रीवैल्यूएशन का रिजल्ट आता है उसके बाद उस टाइम पे रखा हुआ है कि अगले सेमेस्टर के एग्ज़ाम आ जाते हैं, बच्चे को भी पता नहीं है मैं पास होऊंगा फेल होऊंगा, उसको रीपियर का फॉर्म भी फिल करना पड़ता है. तो ये सारा देखा आसपास के कॉलेजेस में, पता किया यूनिवर्सिटी के ऑलमोस्ट हर एक कॉलेज में यही हाल है कि बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे हैं और उनको बार बार रीवैल्यूएशन और रीपियर के फॉर्म फिल करने पड़ रहे हैं. तो उसके बाद मैंने ये RTI से परस्यू करना शुरू किया. तो उसमें बहुत शॉकिंग रिजल्ट्स निकल के आए हैं कि अप टू 65% बच्चे रीपियर का एग्ज़ाम दे रहे हैं और 24% बच्चे हैं वो रीवैल्यूएशन करवा रहे हैं. ये स्कैम ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के आसपास का है यूनिवर्सिटी ने, जो अलग अलग गलत काम करके, इसके अलावा और भी बहुत सारे गलत काम कर रही है यूनिवर्सिटी, जिससे वो सिर्फ पैसे बनाए जा रहे हैं इस काम से. बच्चों को जानबूझ के फेल किया जा रहा है, रैंडम रिजल्ट आ रहे हैं. कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे ने कुछ नहीं किया होता. मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैंने 2 नंबर का एग्ज़ाम किया, मेरे 37 मार्क्स आ गए. तो इससे क्लियरली ये पता चलता है कि सीधा उन्होंने एक सिस्टम बना रखा है कि कुछ बच्चों को जानबूझ के फेल कर दो, कुछ बच्चों को पास कर दो. टोटली मिसमैनेजमेंट है सिस्टम की. यूनिवर्सिटी ने एक रूल बनाया है कि अगर आप बाय 4 नंबर फेल हैं अगर किसी भी एग्ज़ाम में, बाकी सारे सब्जेक्ट क्लियर है आपके डिग्री के अंदर, तो यूनिवर्सिटी को आप 5000 रुपये दो और वो 4 नंबर यूनिवर्सिटी आपको दे देगी और आप उसमें पास हो जाओगे. तो ये समझ नहीं आ रही है कि अगर आपने बच्चों को पास करना ही है तो आप बिना पैसे लिए पास कर दो. कौन सी ऐसी फैक्ट्री में आप 4 नंबर बना रहे हो जो बच्चों को 5000 में आप बेच रहे हो. नवदीप अपनी लड़ाई RTI के रास्ते स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में भी ले गए. 5 साल हो गए हैं. अब व्यूअर्स ये आपके हाथ में है और सरकार आपके हाथ में है कि आप इस स्कैम को दबाना चाहते हो या हजारों स्टूडेंट्स के करियर को बर्बाद होने से रोकना चाहते हो. सरकार जी, किसी इंक्वायरी कमीशन को बिठा के दोबारा से फाइलों में दबा मत देना ये इशू. कम ऑन, लेट्स ऑल शेयर दिस वीडियो, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ या पंजाब में यूनिवर्सिटीज़ की नहीं है, शायद काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ की है. ठोको शेयर.